गाइस जोमेटो ऑनलाइन फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल जोमेटो अपने पोर्टल और ऐप से उन सभी रेस्टोरेंट्स के नाम डिसेबल कर देगा जिनके खिलाफ यदि एक भी शिकायत मिलती है। किस तरह की शिकायत? मसलन मान लीजिए आपने भेज ऑर्डर किया और आपको भेज की जगह नॉन भेज मिल गए, या आपके खाने में कोई छिपकली निकल गई, या आपको एक्सपायर्ड खाना ऑर्डर कर दिया गया, तो जोमेटो उस रेस्टोरेंट को अपने पोर्टल से डिसेबल कर देगा। और वह रेस्टोरेंट तब तक जोमेटो के पोर्टल से डिसेबल रहेगा जब तक कोई थर्ड पार्टी उस रेस्टोरेंट को जांच करके ओके ना कह दे। और वो थर्ड पार्टी कैसी होनी चाहिए? जो भारत सरकार की फूड संस्था FSSAI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसी बीच लाखों रेस्टोरेंट्स को अगुवाई करने वाले NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जोमेटो ने ऐसी कोई पॉलिसी लाने से पहले हमसे राय मशवरा नहीं किया। जोमेटो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर काम कर रहा है। यह काम भारत सरकार की फूड संस्था FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। हालांकि यहाँ पर जोमेटो का तर्क है कि चूंकि किसी व्यक्ति को यदि गलत खाना ऑर्डर हो जाता है तो इससे जोमेटो का नाम खराब होता है, न कि उस रेस्टोरेंट का। यही कारण है कि जोमेटो ने यह कदम उठाया है। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद घर बैठकर खाना मंगाकर खाने वालों की तादाद काफी बढ़ गई है और इस तादाद ने आज जोमेटो और स्विगी को 80% मार्केट शेयर दिला दिया है। आज ऑनलाइन डिलीवरी के फूड डिलीवरी के कार्यक्रम में जोमेटो और शेयर 80% मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जोमेटो अपने पोर्टल्स किसी बड़े रेस्टोरेंट को डिसेबल कर देता है तो ऐसे में उस रेस्टोरेंट के लिए काफी मुश्किल और भरी बात हो जाएगी। यही कारण है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिकों और जोमेटो के बीच एक बैठक होने जा रही है ताकि इस समस्या को दूर किया जाए, कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। तो उस बैठक में जो भी नया अपडेट निकलकर सामने आएगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा बात, क्या बात निकलकर सामने आई। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूंगा अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से। बाकी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं सबसे बातें करता हूँ, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर धन्यवाद, शुक्रिया।